एक बार की बात है, जब महात्मा बुद्ध से एक व्यक्ति उलझ गया तो बुद्ध ने युवक को सत्संग का महत्व समझाया। महात्मा बुद्ध गांव में ठहरे हुए थे, वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था, उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, किंतु यहां से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहां से सुनकर जाता हूं। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है, बताइए मैं क्या करूं। बुद्ध ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वो साफ दिखाई देती है, कोई गंदगी नहीं दिखाई देती, और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रहे, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अब गुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। नमस्कार मित्रों, ये एक महात्मा बुद्ध की कहानी है। बुद्ध की शिक्षा से मेहनत सफल हुई। एक आदमी को बुद्ध ने सुझाव दिया कि दूर से पानी लाते हो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने घर में कुआं खोद लो, हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सलाह मानकर उस आदमी ने कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन 7-8 फीट खोदने के बाद उसे पानी तो क्या गीली मिट्टी का भी चिन्ह नहीं मिला। उसने वो जगह छोड़कर दूसरी जगह खुदाई शुरू की, लेकिन 10 फीट खोदने के बाद भी उसे पानी नहीं मिला। उसने फिर तीसरी जगह कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन यहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। इस क्रम में उसने 8-10 फीट के 10 कुएं खोद डाले, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। वो निराश होकर बुद्ध के पास गया और उसने बुद्ध को बताया कि मैंने 10 कुएं खोद डाले मगर पानी एक में भी ना निकला। बुद्ध को आश्चर्य हुआ, वे स्वयं चलकर उस स्थान पर आए जहां उसने 10 गड्ढे खोदे हुए थे। बुद्ध ने उन गड्ढों की गहराई देखी और सारा माजरा समझ गए। फिर वे बोले, 10 कुएं खोदने की बजाय एक कुएं में ही तुम अपना सारा परिश्रम लगाते तो पानी कब का मिल गया होता। तुम सब गड्ढों को बंद कर दो, केवल एक को गहरा करते जाओ, पानी निकल आएगा। उसने बुद्ध की बात मानकर ऐसा ही किया और उसका परिणाम यह हुआ, कुआं पूर्ण होते ही पानी निकल आया। सबने भगवान बुद्ध की जय जयकार की। नमस्कार मित्रों, ये एक महात्मा बुद्ध की कहानी है। बुद्ध के ज्ञान से सेठ ने पाया सुख। धन्ना सेठ के पास 7 पुश्तों के पालन पोषण जितना धन था। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वो अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र ने उसकी गिरती दशा देखी तो उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा, बस तुम यहां कुछ दिन रहकर ध्यान किया करो। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू किया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा।
वो जैसे ही ध्यान करने बैठता उसका मन फिर अपनी दुनिया में चला जाता। उसने बुद्ध को यह बात बताई किंतु बुद्ध ने कोई उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद जब सेठ बुद्ध के साथ वन में सायकालीन भ्रमण कर रहा था तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। वो दर्द के मारे कराहने लगा। बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम जी कड़ा कर कांटे को निकाल दो, तब इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने मन कड़ा कर कांटा निकाल दिया, उसे चैन मिल गया। तब बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसे ही लोभ मोह क्रोध घमंड व द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में गड़े हैं, जब तक अपने मन की संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालोगे अशांत ही रहोगे। सेठ का ज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी बुरी आदतों से मुक्ति के लिए संकल्पबद्धता अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय न कर ले वो अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता।